नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम परफेक्ट हलवाई स्टाइल में बालूशाही बनाएंगे। इसे मैंने खुद एक हलवाई से बनाना सीखा है और इसे बनाने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। बालूशाही बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े बाउल में 1/4 कटोरी पानी करेंगे, जो कि वजन में 80 ग्राम है। अब हम इसमें 1/4 कटोरी पिघला हुआ देसी घी करेंगे, ये भी वजन में 80 ग्राम है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, साथ ही इसमें 1/4 कटोरी फेटा हुआ दही, जो कि वजन में 40 ग्राम है, डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 कटोरी मैदा डालेंगे, जो कि वजन में 250 ग्राम है, और इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। हमें इसको इस तरीके से वाइंड करना है, इसे आटे की तरह से नहीं गूंथना है। यहाँ पर हमने देसी घी लिया है, आप चाहे तो डालडा भी ले सकते हैं, पर रिफाइंड ऑयल ना लें। अब हम बालूशाही के आटे को 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। हमारे बालूशाही के पेस्ट को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक उल्टी थाली में निकाल करके इसे इस तरीके से हाथों से दबा दबा करके फैला देंगे। अब हम इसको बीच में से इस तरीके से काटेंगे और इसे डबल करके फिर इसी तरीके से दबा दबा करके फैला देंगे। हमें इसे इसी तरीके से 5-6 बार रिपीट करना है। ऐसा करने से हमारी बालूशाही में लेयर अच्छे से बनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी मैदा में काफी लेयर बनी है। अब हम मैदा को बीच में से काटने के बाद इसे हल्के हाथ से रोल करेंगे और फिर इसके मीडियम साइज के पीस काट लेंगे। अब हम एक पीस को हाथ में लेंगे, हमें कटी हुई साइड वाला हिस्सा ऊपर रखना है और फिर इसे हल्का सा गोल करके इसे हल्के हाथ से दबाएंगे और इसके बीच में होल कर देंगे। होल इसमें आर पार होना चाहिए। इसी तरीके से हम सभी मैदा की बालूशाही तैयार कर लेंगे। हमने सभी लोइयों की बालूशाही तैयार कर ली है। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए रखा रहने देंगे और तब तक हम इनके लिए चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 कटोरी चीनी करेंगे और इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल करके मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए चीनी घुलने तक पकाएंगे। हमारी चीनी घुल चुकी है। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी इलायची और साथ ही चुटकी भर खाने वाला पीला रंग डालेंगे। ये ऑप्शनल है, पर इससे बालूशाही का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें 2-3 उबाल लगा लेंगे। हमें इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमारी चाशनी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक दूसरी कढ़ाई में डालडा गरम करेंगे। आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पर घी को बहुत ही हल्का गर्म करना है। अब हम घी को चेक करेंगे। इसमें एक छोटा सा मैदा का पीस डालेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं। हमने यहाँ पर गैस को लो रखा है। अगर आपका घी तेज गर्म हो जाए तो आप पहले गैस को बंद कर दें और घी का टेम्परेचर हल्का होने दें। अब हम इसमें एक एक करके बालूशाही डालेंगे।
हमें बालूसाई के ऊपर आने का इंतजार करना है। जब तक हमारी बालूसाई ऊपर नहीं आती है तब तक आप इनको बिल्कुल ना छुएं। हमारी बालूसाई को सीखते हुए हल्की गैस पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये अब अपने आप ऊपर आने लगी हैं। जब बालूसाई को सीखते हुए 7 से 8 मिनट हो जाएं, तब आप बालूसाई को पलट दें और दूसरी तरफ से भी 5-6 मिनट तक इसी तरीके से हल्की गैस पर सिकने दें, जिससे ये अंदर तक सिक जाएंगे। हमारी बालूसाई को सिकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को मीडियम करेंगे और इसे अलट पलट करके हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। एक बार की बालूसाई सिकने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। आप 15 मिनट बाद गैस को मीडियम और लो करते रहें। इससे आपकी बालूसाई अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाएगी। हमारी बालूसाई गोल्डन कलर की हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें लेयर कितनी अच्छी बनी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बालूसाई को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बालूसाई को हल्की गर्म चाशनी में आधे घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे और उसके बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। बालूसाई को बारीक कटे हरे पिस्ते से गार्निश करेंगे। लीजिए, हमारी हलवाई स्टाइल में परफेक्ट तरीके से बनी बालूसाई तैयार है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।